मोबाइल बड़े भेड़ दिए आप कहाँ से हो? किसे रो किसे रो भजन लाल जी मुंबई पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान प्रकोष्ठ पूरी मुंबई की टीम की तरफ से, उत्तर मुंबई की तरफ से। और ये इस बात का घोतक है कि मारवाड़ी बढ़ चढ़ के वोट करेगा। भजन लाल जी राजस्थान को प्रेजेंट करते हैं और हम सब उनके स्वागत में आज एयरपोर्ट आए हुए हैं। और आने वाले समय में 20 तारीख को जो मतदान है, मुझे पूरा भरोसा है कि हर मारवाड़ी अपने घर से निकलेगा और जम के वोट करेगा और 100% मारवाड़ी घरों में वोट होगा। और भी अच्छा असर होगा। मारवाड़ी आदमी, राजस्थानी आदमी जागरूक आदमी है, उसको पता है कि वो अच्छा इन्वेस्टर है, अच्छा व्यापारी है। उसको पता है किसी कंपनी का CMD अगर मजबूत है तो कंपनी बड़ी मजबूत होती है। भारत का CMD नरेंद्र मोदी, 10 साल में जो ऊंचाई उन्होंने भारत को दी है, तो डेफिनेटली इस बार तीसरी बार वापस मोदी सरकार लौट के आएगी और 400 पार का आंकड़ा जो उन्होंने दिया है, तो डेफिनेटली 400 पार का आंकड़ा हम पार करेंगे। राजस्थान के CM साहब आए आज, कई जगह उनका कार्यक्रम भी है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी वोट चढ़कर इसमें मारवाड़ी समाज? देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के प्रति राजस्थानी समाज में बहुत ही आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू विरोधी गतिविधियां है, उदयपुर का आप कांड देख लीजिए, हमारे हिंदुत्व के जय श्री राम नारे को जो अशोक गहलोत ने बैन करने की कोशिश की थी, उसके बाद राजस्थानी समाज प्रवासियों में बहुत ही बड़ा गुस्सा है। उसी के कारण अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया और आज हमारे CM आए हुए हैं, तो हम सभी राजस्थानी जो प्रवासियों के जितने भी संगठन है, हमारे प्रकोष्ठ से सेल है, सभी यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। और राजस्थानी समाज जो मुंबई महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में रह रहा है, वो बहुत ही खुशी के माहौल में है। मोदी जी के 400 पार के नारे के साथ ही चल रहा है और राजस्थानी समाज को मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से संख्या में अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, एक भी वोट हमारा फालतू जाना नहीं चाहिए और हमारा 100% वोट होना चाहिए, यही मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ। आज CM साहब आए राजस्थान के, क्या कहना चाहेंगे? आज गर्व की बात है कि महाराष्ट्र की धरती पर, राजस्थान में फतेह करके जो महाराष्ट्र की धरती पर आए हैं, तो खास करके आज कालवा देवी में उनका प्रचार है और कल इनका है जो अपना दहिसर में, जहां पर पीयूष गोयल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। और जितनी 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, राजस्थानी प्रकोष्ठ तन मन से पूरा लगा हुआ है, क्योंकि राजस्थानी के अंदर एक दिल से कि प्रत्येक दुकानदार है, बिजनेसमैन है, कस्टमर को भी जिस तरह से वोटिंग करना है। और मोदी जी जो 400 पार का नारा दिया है, वो 101% 400 पार नारा लेके रहेंगे और महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे अच्छी जीत लाके रहेंगे। आवाज भले से आ रहा, लेकिन वो बुलेट प्रूफ है। हाँ, ये कार तो बुलेट प्रूफ है, पूरा वायर प्रूफ है, टायर भी उसका बुलेट प्रूफ है। हाँ, टायर में गोली निकली।